अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वतीराज डायरी। व्यूअर्स, रमज़ान है तो पकोड़े तो हर घर में ही बनते हैं। मैं आज जो पकोड़े बनाने जा रही हूँ, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से ये पकोड़े हैं। मैं आज बनाने जा रही हूँ जंबो पोटैटो पकोड़ा। तो जिसके बनाने के लिए मैंने एक कप बेसन ले लिया है, सब्ज़ धनिया है एक प्याली, हल्दी है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा है, आप साबुत ज़ीरा लें, इसे हल्का सा दड़दड़ कर लें तो ये 1 टीस्पून है, और ये साबुत धनिया इसको भी मैंने कुंडी में हल्का सा कूट लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मैदा 2 टेबलस्पून, और ये अजवाइन है 1 टीस्पून, और पोटैटोस मैंने 2 लिए थे, उनको मैंने छील के तो इस तरह से उनकी मैंने चिप्स बना लिए। अच्छा जी, आलू को आपने ऐसे सेंटर से काट लेना है, और यहाँ से आपने इसको काटना शुरू कर देना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं आपने काटना, बिल्कुल आराम आराम से आप ऐसे इसको काटते जाएं। ये देखें, बिल्कुल ऐसे ही आपने सारे पोटैटोस को काट लेना है। पहले बाउल में बेसन डाल देंगे, मैदा डालेंगे, अजवाइन डाल देंगे, नमक डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, धनिया और ये हल्दी, सारे मसाले हमने डाल दिए, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और ये सब्ज़ धनिया ये भी डाल लेंगे। डालने के बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट बना लेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखें मैंने बेसन का अच्छा सा पेस्ट बना लिया गाढ़ा सा। अब हम इसी तरह से एक पोटैटो लेंगे, इसको अच्छी तरह से इसमें डिप कर लेंगे। आपने इसकी कोटिंग करके इस तरीके से इसको फ्राई करते जाना है। इसी तरह से आपने सारे पोटैटो जो हैं उसको एक एक करके आपने बेसन में कोटिंग कर लेनी है। कोटिंग करने के बाद आप इसको ऐसे फ्राई करते जाएं। जी तो व्यूअर्स, आप देखें इसका कलर जब ये गोल्डन सा हो गया है ना, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। हल्दी मैंने इसलिए इसमें यूज़ की है कि आप देख रहे हैं इसमें ये जो येलो कलर आ रहा है वो हल्दी की वजह से आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये कलर, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से जंबो पकौड़ा जो है पोटैटोस तैयार हो गए हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैंने आने वाली जो तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।